दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे एक एक कुकिंग में। आज मैं ये फली बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने ये फली को छोटे छोटे पीस काट लिया है। उसके बाद जो है आलू, ये है आलू भी काट लिया हूँ मैं, 2 से 3 आलू। और उसके बाद जो है ये टमाटर है, टमाटर 2 पीस काटा है। और हरी मिर्ची जो है अपने हिसाब से तीखी है और जैसे आप खाते हो उस हिसाब से। और प्याज 2 है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद जो है एक भगोना चूल्हे के ऊपर रख दिया हूँ मैं, तेल डाल दिया है अपने हिसाब से। उसके बाद जो थोड़ी सी ये जीरा डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है मैं इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालूंगा। चलिए मैं डाल के दिखाता हूँ दोस्तों। मैं डाल दिया इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। और दोस्तों ये गवार की फली भी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। और बनाने के तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बिल्कुल देसी आसान तरीके में जल्दी शॉर्टकट में बना के मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बेहतरीन तरीके और टेस्टी बिल्कुल हिसाब से देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसे डाल के चला लेंगे, लगा देंगे। उसके बाद जो है ये कटे हुए टमाटर डालेंगे इसमें। उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आप भी ऐसे डाल देंगे। उसके बाद जो है इसको ऐसे चला करके ढक्कन लगा देंगे वापसी 2 मिनट के लिए। दोस्तों ये बताना भूल गया था मैं, ये प्याज और हरी मिर्च में कटे हुए निकाल दिया था पहले से, इसको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए मिक्सी में। और इसके साथ जो है ये थोड़े से काले वाले सरसों है, ये पीसेंगे पीसने का। दोस्तों इस तरह पीसने के बाद जो है, ग्राइंड करने के बाद मसाले, उसके बाद जो है चेक कर लेंगे हमारे टमाटर और प्याज गल गई है। उसके बाद जो है ये फली डालेंगे, कटी हुई फली इसमें डाल के चलाएंगे इस तरीके से। सारे फली डाल लेंगे, डाल के चला के मिक्स करके फिर ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद जो है ये जो हमने ग्राइंड किया था मसाले, जो पीस लिया था मिक्सी में, इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया है और 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच ये मिक्स मसाला है और 1 चम्मच से कम हल्दी पाउडर और ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर है, देख सकते हैं आप। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे लेंगे। उसके बाद जो है ढक्कन खोलेंगे भगोने की। उसके बाद जो है इसमें डाल देंगे फली के अंदर, इस तरीके से चला के मिक्स करेंगे और भूनेंगे अच्छी तरीके से मसाले को फली के साथ में। फिर ढक्कन लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए, फिर जलाएंगे, ऐसे भूनेंगे अच्छी तरीके से मसाले को, देख सकते हैं आप दोस्तों। फिर ढक्कन लगाएंगे, उसके बाद जो है पानी डाल देंगे मसाले भुनने के बाद में। थोड़ा सा पानी डालेंगे अपने हिसाब से ताकि फली गल जाए, आलू गल जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है फिर ढक्कन लगा लेंगे। फिर जो है देख सकते हैं आप किस तरीके से फली हमारा तैयार हो गया है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब तक मिलते हैं।